आंसर नोट करिए, वन का बी, टू का ए, थ्री का ए, फोर का डी, फाइव का बी, सिक्स का बी, सेवेंथ का सी, एट्थ का सी, नाइन्थ का ए, टेंथ का ए। आंसर सबने नोट कर लिए? हेलो भाई लोग, आंसर नोट कर लिए सब लोग? हाँ सर। अरे हाँ या ना? अरे भाई आंसर नोट कर लिए हो? हाँ सर। हाँ सर। उस दिन कुछ और होमवर्क दिया था क्या मैंने? अरे हाँ या ना यार? नहीं सर। हाँ ठीक है, दो तीन मिनट का, दो तीन मिनट आधे घंटे का पार्ट बचा हुआ है, पार्ट नहीं बचा हुआ, चीजों को कंबाइन कर दूं मैं, चैप्टर से एंड करता हूँ वैसे, फाइनली एंड कर दूं सब चीजें लिख लिख के, ताकि आपके पास दो पेज का नोट्स बन जाए। ठीक है, एक और चीज बच, रोटेशन थ्योरम मैंने पढ़ा दिया था क्या? हाँ सर। ठीक है, तो उसी रोटेशन थ्योरम में वी विल कम टू वन मोर पार्ट। जैसे आर्गुमेंट z-1 z-2 इक्वल टू मैं पहले एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन देकर समझता हूं आपसे, देन वी विल डू व्हाट आई मीन टू से पाई बाई फोर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? I want to discuss with you, what do you understand by this? ये हमने पहले किया था लास्ट क्लास में, अभी इसको मैं फाइनल टच अप दे रहा हूं। What do you mean by this? कि जब z-2 को z-1 पे घुमाएंगे तो ना, बट गलत हो गया ना, पाइवट तो बनाया नहीं तुमने ना, पाइवट तो बनाया नहीं। श्रेया, what do you mean by this बेटा? So, z को पाइवट करके घुमाएंगे। जेड को, हाँ अपन समझते हैं ना, अपन यहाँ पर लिख के देखते हैं, ऐसा तो टर्म आपने पहले देखा है कि नहीं देखा है, इतना बताओ। आपने ये चीज की फील है? हाँ सर। हाँ सर, मैंने इससे ही ये लिखा, ये तो फील है ना आपको, तो आप जैसे शुरू से अभी तक बोलते आए हो कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मानते हो? हाँ सर। मैग्नीट्यूड है और ये उसका ऐसा, यही मतलब होता है ना? हाँ सर। है ना, और इसी का ये एक इम्प्लीकेशन है, और इसी का एक और इम्प्लीकेशन क्या होता है बताओ? इसी चीज का, ये सिंपल मतलब हो गया है ना, इसी का एक और इम्प्लीकेशन क्या होता है बोलो? Come on guys, बोलो, अगर z को पाइवट बनाया और 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, चमक रहा है ना, 2 का मतलब क्या है? 2 प्लस आयोटा 0, और 1 का मतलब क्या है? 1 प्लस आयोटा 0, तो बोलो क्या मतलब है इसका? 2 माइनस z को 1 माइनस z पे पाई बाई 4 क्लॉकवाइज घुमाया, ये बात चमकती है क्या? अगेन मेरा पर्सनल इंस्टिंक्ट कहता है दिस माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस दिस ईयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर। क्लॉकवाइज का कैसे बोला? तो नहीं, मैं हमें अपन ने डिस्कस डिसाइड किया हुआ है ना कि ये जब घूमता है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज सेंस लेते हैं ना हमेशा अपन, अब पॉजिटिव है तो ये डिसाइड कर लिया ना अपन ने। हेलो,
एंटी क्लॉकवाइज बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, मुंह से गलत निकल गया। इतना सबको क्लियर है क्या? अच्छे से। तो इस केस में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोकस जो होगा, जेड जो होगा कैसा होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जेड कैसा होगा, बताओ। इस केस में प्लॉट कर सकते हो जेड कैसा होगा, कम ऑन यार, जेड कैसा होगा बोलो। 1.0 और 2.0 क्या होगा? दो पॉइंट्स होंगे, है ना। और जेड कैसा होगा बताओ? 5/4 एंगल बनाना चाहिए जेड पे। 5/4 एंगल बनाना चाहिए सच दैट कौन घुमा है? Z-2 घूमा है। लेकिन ये तो ये सही है गलत है, उसकी बात बाद में करते हैं। उसकी बात बाद में करते हैं। हाँ, उसकी बात बाद में करते हैं। तो ये जेड जो है वो हमेशा, आपकी बात सही है, क्लॉकवाइज हो गया, मानता हूं। लेकिन मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं, दो मिनट के लिए मेरे साथ बेयर करो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप ये बताओ, ये जेड का पोजिशन ऐसा रहेगा कि हर बार ये एंगल कितना हो? 5/4। अरे ऐसा कब होता है कि एंगल कांस्टेंट हो जाता है हमेशा? कभी पढ़े हो बचपन से आज तक? सर्कल, एक लाइन सेगमेंट। हाँ, तो दिस जेड इज लाइंग ऑन अ सर्कल। चमका कि दिस जेड का लोकस इज डू यू अंडरस्टैंड दिस कि सिंस दिस सेगमेंट, यहां पे एंगल किसके बीच में कांस्टेंट है? भार में गया डायरेक्शन, एंगल बिटवीन सेगमेंट जेड माइनस वन एंड बेटा जेड माइनस टू इज कांस्टेंट इक्वल टू पाई बाई फोर। दैट इंप्लाइज क्या? जेड जो है कमान यार इज ऑन अ सर्कल। ये बात चमकती है, ये बात। हाँ सर, इतना ही पोर्शन ना, नीचे में एंगल कितना हो जाएगा? 3π/4 ना, है ना। लेकिन अभी अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सेम पोजीशन में दो सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं ना, कौन से बताओ? भाई ये भी तो हो सकता है ना कि मेजर आर्क आपका ये हो जाए। आपको ये होता है कि कौन सा सही है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, कौन सा सही है बताओ? नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला। क्यों 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 क्यों? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये वाला सही है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये वाला सही नहीं है और ये वाला सही है। तो आपको मतलब हर बार यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स। ये बात चमकती है गाइज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। 1-z, चलो ये बताओ, z-2/z+1 सा सिंपल कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू लेट से π/6। चलो बताओ, फर्स्ट आप क्या बनाओगे बेटा? पाइवट। पाइवट। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर। बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? 0 और 2 ना, तो आपको मालूम है ना कि एंगल π/6 बनाना है, तो आंसर क्या आएगा? मेजर आर्क की माइनर आर्क आएगा, तो मेजर आर्क की माइनर आर्क। अरे एंगल पाई, ये वाला आर्क मेजर आर्क है कि माइनर आर्क है? मेजर। फिर क्या बकवास को बोलता ही नहीं है यार। तो π/6 का एंगल कंटेन करना है ना 0.2 से, सिंपल सी बात है। तो आपका ऐसा हो सकता है, ये ज्यादा ही चला गया, π/6 का मतलब क्या होगा? ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत कम जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक पॉसिबल तो बिल्कुल 90 बन गया यार।
मैं कैसे बनाऊं सर्कल, ये जीरो है ये टू है, हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट अ सर्कल यार। ये एक सर्कल पॉसिबल नहीं समझ में आ रहा ना, कैसे बनाऊं मैं सर्कल बताओ यार। अरे यार सर पहले सर्कल बनाइए फिर कोऑर्डिनेट। हाँ सही कह रहा है, ठीक है ये एक बन गया, ठीक है ये जीरो और टू है, और तो या तो ये पॉसिबल होगा, अरे चमक रहा है क्या बेटा, या तो ये पॉसिबल होगा या तो मेजर आप नीचे बनेगा। हाँ और अपने को मालूम है ना, अपने को लड़ाई किससे करनी है, अपने को मालूम है ना कि अपना आंसर क्या आने वाला है, नीचे वाला, नीचे वाला। नहीं नहीं ये नहीं मालूम भाई, हमको दोनों बनाना पड़ता है, बना के देखेंगे ठीक है। तो ये मैंने जेड लिया, अब बताओ किसको किस पे घुमाना है, जेड माइनस जीरो को जीरो, जीरो माइनस, अबे जीरो माइनस जेड को टू माइनस जेड पे, तो जीरो माइनस जेड को टू माइनस जेड पे ये घुमाना उचित है कि ये वाला घुमाना उचित है, ऊपर वाला, ऊपर वाला उचित है, नीचे वाला उचित नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर, भाई ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इस वाले सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताओ, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालोगे बोलो, मालूम है? भाई क्वेश्चन तो आ गया ना, इस सर्कल का कैसे निकालोगे बताओ, पूछ रहा हूँ तो, सेंटर, सेंटर वाला हम लोग को एंगल मिल जाएगा। हाँ, सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो पाइवट जैसे ही बना सकते शायद, पाइवट जैसा बना हाँ। सकते हैं शायद, ये तुम अच्छा कह रहे हो, उससे सॉल्व हो पाएगा। हाँ सर, फिर मतलब रेडियस भी मिल जाएगा। तो क्या कर ले, चलो इसको इसको ले लेते हैं अपन, अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं, ठीक है सर। जब आर्गुमेंट पाई बाय 2 होगा तब वो इमेजिनरी होता है, तो z + z बार इक्वल टू 0 कर सकते हैं ओवरऑल को, इससे मेरा आंसर नहीं आएगा ना, मैं घुमा के एक बार में आंसर निकाल सकता हूं ऐसा मुझे लग रहा है, अगर मैं घुमाऊंगा तो एक बार में आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर। अगर मेरे को किसको घुमाना होगा, मान लो इसको मैंने जेड नॉट, सुनो ना, टू माइनस जेड नॉट घुमाते हैं, देखता हूं मैं क्या आता है। मुझे किस पे किसको घुमाना है, वन माइनस जेड पे कौन घूम रहा है, टू माइनस जेड, बोलो क्या आएगा, इक्वल टू, दोनों रेडियस ही है ना भाई, और ई आई ओटा कमान यार, ई आई ओटा पाई बाई टू, बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है तो बताओ फिर, वन माइनस जेड इज इक्वल टू टू आयोटा माइनस जेड आयोटा, अरे क्लियर है क्या? और ध्यान देना मैंने डायरेक्शन हाँ, सही लिया है गलत लिया, डायरेक्शन ध्यान देना, ठीक है। तो कितना आ गया, वन माइनस टू आई इज इक्वल टू बोलो जेड इंटू वन माइनस आई, तो वन माइनस आई यहाँ भेज देंगे तो कितना आ गया, वन माइनस टू आई बाई टू इंटू वन प्लस आई, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भैया बता दो यार, दिमाग ना खराब, वन वन आ गया, माइनस टू आयोटा स्क्वायर प्लस टू आ गया, माइनस टू आई प्लस आई माइनस आई आ गया, क्लियर है? तो क्या आ गया, थ्री माइनस आई बाई टू, मतलब क्या आ गया, सेंटर थ्री बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू, अरे ये क्लियर है क्या सर? जो फर्स्ट इक्वेशन लिखे हुआ नहीं समझा, ये वाला? हाँ सर, सेंटर के अबाउट घुमा दिया ना, सेंटर के अबाउट 90 से घुमा दिया। हाँ सर समझा। अरे ये बात क्लियर है क्या सभी को बताओ? हाँ सर। ठीक है, आप ऐसे घुमा सकते हो या चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा माना है ना, और दो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, तो पहले तो आप रेडियस रेडियस बराबर कर दोगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी अल्फा और बीटा में, अरे बोलो हाँ ना। हाँ सर। दूसरा फिर ये एंगल कितना है,
90, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करके माइनस वन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, थ्री बाई टू है ना, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, ये मेथड टू, मेथड टू हुआ। अरे हाँ या ना बाबा? हाँ सर, हाँ सर। मेथड थ्री, मेथड थ्री क्या हो सकता है? थोड़ा सा उसमें ज्यादा ज्योमेट्री लग सकती है और कुछ नहीं है। आपको मालूम है ना कि एक कॉर्ड है सर्कल का? हाँ सर। तो सर्कल का सेंटर किस पे लाई करता है? कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। हाँ सर, हाँ सर। सर्कल का सेंटर किस पे लाई करता है? कॉर्ड के परपेंडिकुलर, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। अरे भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? 1 + 2/2 ना, तो 3/2 आ गया। सर। और भाई पैरामीटर, और आपको ये लेंथ मालूम है ना कितनी है? ये लेंथ आधा, अरे भाई खुला हुआ है, ये लेंथ कितना है? आधा है। अबे और ये लेंथ कितना होगा? अगर ये आधा है और ये 90 है भाई, हेलो, तो ये एंगल तो 45 हो गया ना, ये 90 है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया ना। हाँ सर। तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई? आधी आ गई ना। तो सेंटर हाँ। कितना आ गया? 3/2 - 1/2। बट रुद्र ये मेथड अच्छा है, तीनों मेथड क्लियर है। अब ये जो लास्ट वाला मेथड है ना, ये एक्चुअली पैरामेट्रिक मेथड है, यहां पे आसानी से काम दिया, अदरवाइज आपको पैरामेट्रिकली डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये बात चमकी क्या? हाँ सर, समझा। एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं और तीनों मेथड से सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है क्या? फर्स्ट थिंग इतना क्लियर है कि ऐसा अगर सिस्टम है तो अपन क्या लिख देंगे नोट्स में? आर्ग्यूमेंट बोलो बे, Z1 - Z2 - Z = θ। अगर थीटा जीरो से पाई के बीच में है, दैट इंप्लाइज जेड इज ऑन सर्कल, सर्कल जेड इज ऑन, जेड इज ऑन सर्कल। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो, मैं वापस लिखूंगा इसको, कॉपी करो। सर पाई पे ओपन क्यों है? ऐसा है ना बेटा कि जीरो और पाई का ना पहले बात हो चुका है, जब हम लोग वो कॉम्प्रिहेंस वो मैच द कॉलम का कॉलम थ्री कर रहे थे, ठीक है? प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल की बात हो चुकी है ना। बट अभी वापस से मैं लिखूंगा क्या होगा। जीरो और पाई पे सर्कल नहीं बनेगा ना, अगर ये एंगल जीरो हो जाता है सर्कल बनता है क्या? सर्कल का कॉर्ड कभी भी सर्कमफेरेंस पे जीरो एंगल सबटेंड करता है? नहीं। पाई सबटेंड करता है? हाँ, नहीं करेगा। ठीक है, अभी आगे अभी खत्म करता हूँ, चीजों को फिनिश अप करेंगे दो मिनट के अंदर। अरे कुछ और बचा है कॉम्प्लेक्स में? ओमकाज नगर है, कुछ बचा है क्या थ्योरी? नहीं सर, पर एक बार चेक करता हूँ मैं। अब चेक क्या करना है बे? देखो ऊपर क्या लिखा है, टू इज ऑन जेड इज ऑन सर्कल, जेड है क्या? ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेजर आर्क पे है कि माइनर आर्क पे है, पहली चीज। और दूसरी चीज का डिसाइड करनी पड़ती है कि ऊपर है कि नीचे है। अब ये क्वेश्चन देते हैं ना, करते हैं। सर साइड हो जाएंगे। सर मेजर आर्क माइनर आर्क पे कैसे करोगे साइड? मैं तो नहीं समझ। एंगल से, एंगल अगर पाई बाय टू से बड़ा है तो मेजर आर्क, अगर छोटा है तो।
सर पाई बाय 2 से छोटा होगा तो मेजर ना जो भी है उतना अपन को 10th की आती है ना मैथ्स तो वो सर्कल वर्कल सर 845 को पीएनसी है ना हाँ क्या बोल रहे हैं भाई कल मॉर्निंग परसों मॉर्निंग में आप लेक्चर लेना मतलब भाई जी सर कह रहे थे कि कल की कल सुबह की और परसों की क्लास संडे को लेंगे तो वही रहेगा संडे को दो क्लास कैसे हैं एक तो आज की जेपीएन सर ने शिफ्ट की संडे को और माइडी सर की पहले से अच्छा किसकी ये माइडी सर की चलो परसों सुबह हम ले लेंगे क्लियर है क्या भाई थोड़ा जल्दी बोल दो यार क्लियर है कि नहीं है मैं खत्म करूंगा यार रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा के यार हां सर क्लियर है ठीक है चलो क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या क्लियर हुआ है आर्गुमेंट जेड माइनस आयोटा बाई जेड माइनस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री प्लॉट एंड फाइंड सेंटर रेडियस तीन चार तरीके हो सकते हैं मैं आपको बारी बारी से सर्कल वाला तरीका भी दिखा देता हूं ताकि आपका सर्कल का भी रिवीजन हो जाए अच्छा बताओ कैसे स्टार्ट करें इसको पहले क्या समझ में आ रहा है आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा पाइवट अरे ये बात चमकती है कि पाइवट बनाता तो हेलो आवाज यार नेट चल रहा है ना हाँ तो कौन किस पे घूम रहा है पहले तो ऐसा है कि दो पॉइंट है 1,0 और 0,1 है ना और कहानी ऐसी है क्या कहानी है कि ये एक सर्कल का कॉर्ड होगा है ना जिसमें क्या बन सकता है दो सर्कल कैसे या तो ऐसा बन सकता है और या तो ऐसा बन सकता है ये बात चमकती है लेट्स फर्स्ट डिसाइड कौन सा बनेगा सिंपल सी बात है गेस क्या करना है एक को पकड़ लो जो नहीं बनेगा दूसरा वाला बन जाएगा है कि नहीं चलो घुमाते हैं वन माइनस जेड को घुमाना है आई माइनस जेड पे है ना तो वन माइनस जेड घुमा जी तो ये घुमा किस डायरेक्शन में घुमा क्लॉकवाइज तो ये तो नहीं होगा ना अपना तो अपना आंसर कौन सा आएगा नीचे वाला जी बोलो भाई क्लियर है तो नाउ द स्टोरी इज पता नहीं सर्कल नहीं बना पा रहा हूं मैं अजीब लग रहा है मुझे जनरली सर्कल में बहुत अच्छा बनाता हूं ध्यान देना लोकस का पार्ट इतना ही रहेगा सर्कल का मेजर आर्क बट अगर क्वेश्चन में बोला है सर्कल और सर्कल का मेजर आर्क तो आप क्या टिक करोगे सर्कल का मेजर आर्क अरे इतनी बात चमकती है चलो इस सर्कल का इक्वेशन निकाला जाए तो कैसे निकालोगे सर्कल का इक्वेशन दो तरीके होंगे बेटा है ना एक तो प्योर कॉम्प्लेक्स का तरीका बताओ क्या होगा आप सेंटर मान लोगे क्या जेड नॉट अरे हाँ या ना यहां पे एंगल कितना है
पाई बाय थ्री, तो यहाँ पे कितना होगा पाई बाय थ्री। कौन कौन किसको किस 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 किसको घुमाऊ किस पे कोई अंतर नहीं पड़ता ना, जिसको मन उस पे घुमा दूंगा मैं, एंगल का डायरेक्शन ले लूंगा, किसको घुमा रहा हूं मैं, मेरा मन किसको घुमाने का किया, आयोटा माइनस जेड को, तो बताओ एंगल का सेंस क्या लेंगे, आयोटा माइनस जेड को घुमा दिया ना मैंने किस पे, वन माइनस जेड पे, तो कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज घूमे क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या यूज कर दें, अरे ये बात चमकती है क्या बताओ, तो क्या होगा आई इंटू ई की पावर माइनस टू पाई बाई थ्री, बोलो भाई माइनस जेड इंटू ई की पावर माइनस टू पाई बाई थ्री, क्लियर है। हाँ सर। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, ई की पावर आयोटा माइनस टू पाई बाई थ्री, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कई बार लोग बाग ना दिमाग बहुत लगाने बैठ जाते हैं इसलिए पकड़ा जाते हैं एग्जाम में, फिर ये बात चमकती है। अरे मित्रों क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो भैया मित्रों सभी क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर। ठीक है, अभी तुम्हारी इच्छा है, मतलब मैं तुमको एक मैनिपुलेशन दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये ना माइनस एंगल लेके ना फालतू में तुम्हारे तुमको लगे सर उसके बिना नहीं कर रहा, उसके बिना मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बस ध्यान देना प्लीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो सकता था, मेरे को ना एक कैलकुलेशन दिखानी थी कि ऐसे नंबर्स को आप लोग कई बार रैशनलाइज करते हो ना, कॉम्प्लेक्स को कई बार रैशनलाइज करते हो कि नहीं करते हो? बड़ा गंदा लगता है रैशनलाइज करने, मुझे पर्सनली पूछो तो। ठीक है, बड़ा लंबा लगता है, एक तरीका है जिससे चीजों को हम लोग थोड़ा सा क्विक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कोई तरीका नहीं आता है तो आपसे मैथ्स नहीं बनेगी, मैथ्स कभी भी किसी मेथड की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, इस नंबर को ना मैं बड़े अच्छे से खेलूंगा, मैं e की पावर आयोटा पाई बाय थ्री बाहर निकालूंगा जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में बाहर निकालते थे, बताओ फायदा क्या हुआ, बोलो फायदा क्या हुआ, ऊपर e की पावर पाई बाय थ्री माइनस आई e की पावर माइनस आई पाई बाय थ्री बना। ठीक है, नीचे ऊपर तो खास फायदा, नीचे में बहुत अच्छा फायदा, बताओ क्या फायदा हुआ, ये पूरा नंबर क्या है, हाँ मतलब टू आई साइन पाई बाई थ्री, अरे ये चीज क्लियर है क्या, मैंने रैशनलाइजेशन का काम ही हटा दिया ना, आपको नहीं समझ में आया कोई बुरी बात नहीं, आप रैशनलाइज कर दो आंसर आएगा, मैंने रैशनलाइजेशन का काम हटा दिया, ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? हाँ सर। अभी ऊपर में क्या लिखा है बोलो, ओपन करना पड़ेगा अब तो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ओपन करो क्या आएगा बोलो, cos pi by 3 plus i root 3 by 2 i root 3 by 2 minus i by 2 i। अरे ये बात क्लियर है, साइन पाई बाई थ्री कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, टू टू कट गया कितना बचा, रूट थ्री बचा ना, और एक क्या बच गया यहाँ पे बोलो, वन बाई आयोटा, वो तो बहुत सिंपल, वन बाई आयोटा तो बहुत सिंपल रैशनलाइज करना, कितना आंसर आया बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं भाई, बड़े दुख की बात है, बोलो वन बाई टू माइनस आई बाई टू, नहीं रे वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस बोलो आई इंटू वन माइनस रूट थ्री बाई टू, अरे इतना क्लियर है। हाँ सर। अभी नीचे का आयोटा रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस वन, ये बात चमकती है हैं? और अभी इस माइनस को अंदर भेज दो, ये बात चमकती है क्या, तो कॉम्प्लेक्स से बड़ा अच्छा आंसर आ गया ना यार, अदरवाइज बहुत गंदा मस्ता आंसर में, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। सबको ये मेथड क्लियर है? हाँ सर क्लियर। हाँ सर।
कॉपी करो मुतासिम, क्लियर है क्या बेटा ये मेथड? हाँ सर। मैं आरफी वाले से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जब सर्कल का जैसे एक्सरसाइज टू बनाएंगे ना तो अप्लाई करना, एक्सरसाइज थ्री वगैरह में, एक्सरसाइज थ्री मैंने होमवर्क नहीं दिया था तो अब अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स वाले को। पी फेज नॉट मच एक्सपेक्टेड कि आप इस चैप्टर में ज्यादा कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल एक्सपेक्ट जो बेसिक बेसिक पढ़ाए वो फॉलो करो। आप लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही ट्राई करो सॉल्व करने का, कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूजन होती है तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी फास्ट वे टू सॉल्व, अच्छा तरीका होता है। ये बात क्लियर है क्या अभी? कॉपी करिए प्लीज। और ये जो किया है मैंने ये स्टेप ट्राई टू इंप्लीमेंट इन फ्यूचर। आधा नंबर, आधा ई का पावर बाहर निकाल के रैशनलाइज करना काफी आसान हो जाता है। अरे ये बात क्लियर है क्या? कोई बोलता ही नहीं है। हाँ सर क्लियर है। कॉपी कर लिए? नहीं सर। हो गया सर। सर एक मिनट, एक मिनट सर।
अरे भाई कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, ये एक तरीका था। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका जो वहां पे बड़े ब्रिलियंटली लग गया था 90 वाला, वो यहां पे फंसेगा। क्यों फंसेगा? सर्कल वाला तरीका बताओ, फंसेगा? मुझे लगता है मैं साथ गलत बोल सकता हूँ। श्रेया फंसेगा क्या? पोलर कोऑर्डिनेट तो बन ही जाएगा। पोलर से तो कर ही दूंगा, पोलर से तो थर्ड मेथड है ना। पहला वाला जो नोट डिस्टेंस से कर रहे थे उससे कर सकते हैं क्या, ये बताओ? क्योंकि वहां पर 90 यूज कर दिए, यहाँ पे एंगल 2π/3 यूज करने में दिक्कत आएगी ना। हाँ सर, SOT यूज करेंगे शायद। SOT थोड़ा अप्लाई करते हैं, पागल है क्या? SOT से भागता हूं मैं हमेशा। ठीक है, तो पहले जो डिस्टेंस इक्वल करते हैं बेसिक सर्कल से, ये और ये पॉइंट इक्वल क्या आएगा बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अरे भाई चमक रहा है क्या, कोई बोलता ही नहीं है यार, प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है? अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया भाई यहां से। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस। दूसरा इक्वेशन कैसे निकाले? दूसरा इक्वेशन यहां से निकाल सकते हो ना, कोऑर्डिनेट बेसिक से लेंथ वाइज, कि ये पॉइंट अल्फा कमा बीटा है, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है, टू, ये एंगल कितना था, पाई बाई थ्री ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? पाई बाई थ्री। ये पूरी लेंथ कितनी है, रूट टू है ना? अच्छा। अरे बाबा ये लेंथ कितना है, रूट टू है ना? अच्छा। ठीक है, तो अगर ये लेंथ रूट टू है और ये एंगल पाई बाई थ्री है, तो फिर ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बताओ? ये रूट टू है और बोलो, कोई बोलेगा मैं नहीं करूंगा यार, ये रूट टू है, ये पाई बाई थ्री है और ये रूट टू है, तो बताओ ना डिस्टेंस। हम लोग यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं ना वैल्यू इसका, कितना आएगा वैल्यू बताओ? या एंगल बिटवीन द लाइंस नहीं लगा सकते क्या? मॉड आएगा गधे उसमें। ठीक है, बताओ ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ट्रायंगल तुमको ट्रायंगल क्यों नहीं दिख रहा यार, दिखना चाहिए ना ट्रायंगल यार। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/√2, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है, पाई बाई थ्री है, तो बताओ ना ये वाला कितना होगा? अरे यार अगर ये एल है तो एल साइन पाई बाई थ्री है ना, 1/√2 बोलो, तो एल कितना आ गया, 2/3। अरे ये बात चमकती है क्या, एल कितना आ गया? अरे एल 2/3 आया कि नहीं आया? आया सर। आया। अब तो यही होगा ना 4/9। अरे हाँ ना बोलो, रूट ऑफ 2/3 ना, कहाँ बताओ बताओ बताओ, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू, एल साइन 5/3 कितना होता है, एल रूट 3/2 इज इक्वल टू, अच्छा ये 1/√3 नहीं है, ये 1/√2 है ना, तो 1/√2 ऐसा आया है ना, कितना आया, रूट 2/3। हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी तो सिंपल है ना, अल्फा बीटा बराबर, एक इक्वेशन एक वेरिएबल में सॉल्व हो गया ना अल्फा बीटा। हाँ सर। एक बार ध्यान रखो कि वापस से अल्फा और बीटा की दो दो वैल्यू जाएंगी, ये मानते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, दो वैल्यू जाएंगी ना, बताओ दो वैल्यूज क्यों आ रही है? बिकॉज ये सेम सिचुएशन तो यहाँ भी क्रिएट हो सकती है ना, ये बात चमकती है? सो आप कौन सा पॉइंट लोगे? सो यू विल, आपके पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे ना, दो दो वैल्यू जाएंगी, तो कौन सा लोगे? सो यू विल हैव टू टेक, बोलो यार, टेक दैट वैल्यू, बोलो, नहीं रे, दैट वैल्यू विच लाइज विच एंड ओरिजिन लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, दैट इज वाई दिस मेथड इज वाहियात मेथड। ठीक है, अदर मेथड इज, लास्ट मेथड इज पोलर मेथड। कैसे करेंगे? ये 0,1 है, अरे हाँ बॉस, और ये क्या बोलो, 1,0 है, बताओ तो मुतासिब, पोलर से कैसे करेंगे तुरंत? सर पोलर से मतलब मैं, अरे पैरामेट्रिक फॉर्म,
अपने को मिड पॉइंट मालूम है ना बेटा, क्या मिड पॉइंट बताओ, 1/2, 1/2 ना, है ना। और अपने को सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, बताया सिखाया होता है इतना तुम्हारी क्लास में, तो बहुत मेहनत की थी मैंने पोलर पैरामेट्रिक के लिए। अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए ना, तो अपने को ये एंगल मालूम है ना बच्चा, कितना एंगल है ये 60 डिग्री, ये लेंथ कितना है 1/√2, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये लेंथ पी है, नहीं चमका अभी तक उतासिम, टेन 60 कितना होगा, √3। टेन 60 कितना होगा, 1/perpendicular, टेन 60 कितना होता है बताओ, 1/√2, परपेंडिकुलर बाई बेस ना, क्या हो गया मुतासिम, तुम्हारे पास पी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये √3 है ना, कितना है पी का वैल्यू, 1/√6। अरे ये बात चमकी, हाँ क्या हो गया, अभी अभी तेरे को फील नहीं आई। अभी अपन क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ, 135 है ना डिग्री, -1। हाँ स्लोप -1 है मुतासिम, सर्कल तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुमको तुरंत बोलना चाहिए था इसको। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना है मुतासिम, 45 डिग्री ना, हाँ सर स्लोप एंगल, अरे बोलो हाँ या ना। तो 1/2 से कितना पीछे जाना है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बोलो, x1 प्लस माइनस कुछ होता है ना, आर कॉस थीटा, क्या कर रहा है ये लड़का, 1/2 माइनस 1/√6 कॉस 45, क्या हो गया इसको, कुछ पैसे इतना आंसर देते रहता है, सर्कल भूल गया तू, 1/2 माइनस 1/√6 साइन 45, दुख हो रहा है यार, 1/ कितना आ रहा है, 1/√12, अबे √12 कैसे आएगा बे, बाहर आ गया ना 2 बे, आई एम वेरी शॉक्ड, मिला तुम तो जंप कर जाओगे यार फिज वाले, कि पैरामेट्रिक से फटाक से कर सकते हैं, इसकी फील नहीं आई थी खुद से, इब्राहिम पैरामेट्रिक से कर सकते हैं, अरे यार कोई रिप्लाई नहीं करता है, मत करो मुतासिम, तेरे को फील नहीं आई थी पैरामेट्रिक से कर सकते हैं सर, पहले नहीं आई, फिर आपने बताया तो फिर ठीक है, कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको, श्रेया तुम्हें फील आई क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सर, ओमकार जिनगर तुमको ही फील नहीं आई पैरामेट्रिक की, ती सर मुतासिम तू तो लोनी बनाया था ना, छोड़ दिया तूने क्या बीच में ही, नहीं सर किया था पूरा, चल कोई नहीं, वैसे अगर पूछो मुझसे तो कॉम्प्लेक्स वाला मेथड ज्यादा आसान है कि नहीं है, बट ट्वेल्थ के बच्चों को नॉर्मली मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग कॉम्प्लेक्स से चाहो तो बच जाओ, बट जिनका अच्छे से कॉर्नर ज्योमेट्री नहीं हुआ है इलेवेंथ में, वो चाहो सीधा कॉम्प्लेक्स से कर लो। अरे क्लियर है क्या, रब करें इसको, नहीं सर एक मिनट, नहीं सर
ठीक है, कोई बात नहीं, रब करें। हाँ सर, ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था बट ठीक है, चलो फाइन। तो ये एक टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद अपन nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी आपसे प्लॉट करा चुके हैं, तो उसको भी एंड अप करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी लाइक एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट्स होते हैं अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। और एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा अपन ने प्लॉट किया था, नहीं किया था बेटा, क्या था सर? हाँ, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0 आर सेट टू बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बात चमकती है क्या? तो थोड़ा सा अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में चाह रहा था, आप मुझे बताओ एक्स एन माइनस वन इक्वल टू जीरो इसके कितने रूट्स होंगे? आपने उस दिन प्लॉट किया था ना, n रूट्स होंगे, n रूट्स थे है ना। क्या क्या रूट्स थे इसके बताओ जरा, तो बोलो रूट्स क्या क्या थे, याद है? क्यों याद रहेंगे? एक्स इक्वल टू वन को क्या लिखेंगे अपन, कॉस जीरो प्लस आई जीरो की पावर वन बाय, अरे ऐसे लिखा था ना रूट, तो अपन नहीं लिखा था क्या अपन ने? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या रूट्स क्या क्या आए थे बताओ, रूट्स क्या क्या आए थे? कॉस पाई के प्लस जीरो बाय एन, टू पाई के बाय एन, है ना। अरे भाई याद नहीं है क्या? आई साइन तो उस दिन तो पूरी क्लास प्लॉट की थी ना अपन ने, नहीं किया था? और जहां पे के की वैल्यू जीरो से n, तो अपने पास रूट्स क्या क्या आ गए बताओ, रूट्स क्या क्या आ गए? e की पावर आयोटा जीरो, क्रिस बाफना क्लियर है? अगला रूट क्या आएगा, e आयोटा टू पाई बाई एन, e आयोटा फोर पाई, अरे चमक रहा है, के का वैल्यू डालते जा रहे हैं ना। अगला वैल्यू e आयोटा 6 पाई बाय, चलते 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 कहानी कहां तक चलेगी भाई, पाई तक, n माइनस 1, अबे ओए n माइनस 1 2, हां 2 पाई इनटू n माइनस 1 n बाय n। अरे ये बात चमकती है क्या किसी को भी? हां सर, हां सर। तो जरा चलो अब बताओ, थोड़ा ऑब्जर्वेशंस करते हैं, याद कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है? बताओ पहली ऑब्जर्वेशन, अगर रूट जीपी में दिख रहे हैं क्या आपको? अगर मान लो इस रूट को मैंने वन बोला, इसको मैं अल्फा बोला, ये अल्फा स्क्वायर दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर। ये अल्फा क्यूब दिख रहा है क्या तुमको? ये क्या दिख रहा है बताओ, अल्फा की पावर एन माइनस वन, क्या ये सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। तो रूट कितने आए हैं, अगर ये वन है तो कितने रूट्स हैं बताओ? अगर ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, ये अल्फा थ्री है, ये अल्फा फोर है, ऐसे कितने रूट्स आए हैं? n रूट्स। एनीवेज हमने क्या सीखा, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी, ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ सर। दूसरा ज्योमेट्रिकल पॉइंट हमने उस दिन जब प्लॉट किया था तो क्या मालूम चला था? सर्कल, रूट आर वर्टाइसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, जो कि रेगुलर पॉलीगन है ना, एन साइडेड पॉलीगन, दैट इंप्लाइज सेंटर पे एंगल कितना है, 2 पाई बाय एन, याद है ना, रूट्स आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, बोलो। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा,
ई आयोटा 2 पाई बाई एन, ये बात चमकती है। रूट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। तीसरी चीज, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं और आप मुझे बताना कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिख सकते हो ना, ये नहीं लिख सकते हो? इसकी अगर n रूट्स हैं, अल्फा वन अल्फा टू, सम ऑफ रूट्स कितना है? जीरो। अरे भाई, सम ऑफ रूट्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन से नहीं दिख रहा, सम ऑफ रूट्स कितना है? जीरो है ना? जीरो। कैसे? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन। अरे हाँ, हाँ सर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये जीरो क्यों? रेगुलर सर लैग हो रहा है, आवाज आ रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गया है, लैग हो रहा है। हेलो। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो कहां तक सुने थे आप लोग? ठीक है, तो मैंने कहा कि थर्ड पॉइंट का एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। ये सारे रूट्स जो हैं वर्टाइसिस है ना, किसके? एन साइडेड पॉलीगन के वर्टाइसिस है ना, तो इस पॉलीगन का सेंट्रोइड क्या होगा? ओरिजिन। हाँ, तो सेंट्रोइड ऑफ पॉलीगन क्या होगा बताओ? जेड वन प्लस, सॉरी क्या होगा बोलो? अल्फा वन प्लस अल्फा टू और इक्वल टू जीरो ही होगा। एक मिनट, बाई एन भी तो आएगा ना सेंट्रोइड में, है ना? हाँ सर। आने दो, अपने को क्या है, ऊपर का वैल्यू जीरो है ना, क्योंकि अपने को मालूम है ना इस सिस्टम का सेंट्रोइड क्या है, जीरो है। अरे ये बात चमकती है क्या? तो अपने को क्या मालूम चल गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वगैरह वगैरह प्लस अल्फा की पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका एक और इम्प्लीकेशन आ गया कि अगर ये जीरो है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट जीरो है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होता है, इसका मतलब उसका रियल पार्ट जीरो, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो। बताओ उसका रियल पार्ट क्या है? 1 प्लस
cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus बोलो cos 2 pi n minus 1 by n, इसका वैल्यू कितना है? जीरो. और क्या जीरो है? साइन 2 पाई बाई एन प्लस बोलो भाई साइन 4 पाई बाई एन वगैरह 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 कहां तक? क्या आप ये दो चीज समझ सकते हो फिलहाल के लिए? हाँ सर. ठीक है. एक और चीज मैं लिखना चाहूंगा. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बताओ तो? अल्फा वन, अल्फा टू, अप टिल अल्फा की पावर, ये अल्फा एन क्या होगा बताओ? डिपेंड करेगा ना क्या? किस पे डिपेंड करेगा? वन और माइनस वन, डिपेंडिंग ऑन एन, डिपेंड्स ऑन एन, इवन और ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. अब वो खुद से देख लेना कि ऑड पे वन आएगा कि इवन पे ऑड वन आएगा. इतना क्लियर है क्या? आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब समझ में आया कि इसको रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं, क्या है? कॉपी करिए जरा, थोड़ा और दिखाते हैं आपको, घूमने का फील दिखाएं इसमें. आपको फील आ रही है? चलो दिखाते हैं, पहले कॉपी कर लो, फिर आपको अच्छे से फिगर बना के मैं एक बार घुमा देता हूं. सर मेरे को साइन कॉस समझा सकते हो? मेरा नेटवर्क है. अरे ये चीज जीरो है ना, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर एन माइनस वन जीरो है ना. हाँ. तो भाई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिख दो ना, इसका मतलब क्या हुआ? वन प्लस ई की पावर आर टू पाई बाई एन, ई की पावर फोर पाई बाई एन, सब जीरो है. अगर जीरो का रियल पार्ट जीरो अलग से होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो अलग से होगा. तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है. अच्छा ठीक है. नहीं समझा? नहीं समझा. रियल पार्ट मैचर या जीरो. इब्राहिम है क्लास में? चला गया है?
सर वो जो सर्कल है उसके साइड में क्या लिखा है? यहाँ पर नहीं नहीं नीचे जो फिगर है उसके साइड में यहाँ पर हाँ सेंट्रॉइड ऑफ द पॉलीगन रब करें सर एक मिनट सर लिख लिया लब करें देखो रूट्स ऑफ यूनिटी में क्वेश्चंस बनते अच्छे हैं अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाए तो बहुत सिंपल होते हैं सॉल्व करने ज्यादा कुछ अच्छा बनाया नहीं आ सकता है मैं फिर भी आपको ट्राई कर रहा हूं एक चीज दिखाने की कि एक्स एन इक्वल टू वन इसके रूट्स कैसे प्लॉट होंगे बोलो 1,0 अगला रूट क्या है cos e iota 2π/n अरे चमकता है अगला रूट क्या है e iota 4π आपको 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 फील आ रही है घूमने की रोटेशन थ्योरम की फील आ रही है हाँ सर घूमी तो रहे हो 2π/2π/n चमक रहा है घूमी रहे हो ना आप हर बार इस वाले से यहां पर घूम के ही पहुंचो ना बॉस रोटेशन थ्योरम ही है ना ये तो घूमते गए कितना एंगल घूमते गए 2π/n 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 घूमते गए कि नहीं घूमते गए ठीक है जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं कि एक्स एन माइनस वन को रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐसे आप लिख सकते हो ये बताओ मुझे इस कंसेप्ट पे बनते हैं क्वेश्चंस ये आपको लिखना आता है हाँ सर ये तो कैसे लिखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिखा है ना मैंने हाँ सर ये बात चमकती है ठीक है अभी ध्यान दो कि अल्फा वन तो मालूम है तुमको ना अल्फा वन क्या होता है इस केस में अल्फा वन क्या होगा एक्स माइनस वन ही हो जाएगा ना वो तो बोलो हाँ सर काम करते हैं तो मैं इसके n रूट्स को लिखने के लिए ऐसे लिखता कि कंफ्यूजन नहीं हो तुमको ठीक है अरे मैंने कुछ किया नहीं बस नाम चेंज कर दिया इतना चमकता है हाँ ठीक है अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ध्यान देना अगर मैं x को 1 अगर ये इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं मैं तो इधर को क्या लिखा हुआ है जीपी हाँ जीपी ने लिखा है कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है जीपी ही लिखा है जीपी का सम लिखा है ना क्या होगा एक किस जीपी का सम है बोलो 1 + x + x² कब तक का सम है पावर n माइनस वन माइनस वन अरे तुम आ गए
अभी अगर दोनों, अगर इस इक्वेशन में मैं x को 1 डाल दूं तो क्या प्रूव हो जाएगा? अगर पुट x इक्वल टू 1, बोलो क्या प्रूव हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2. अरे भाई यहां तक समझ में आता है क्या? हाँ सर, समझ रहे हो? अगर इसी क्वेश्चन में ही को ही मैं एक्सटेंड ए था, ठीक है, मान लो मैं बी की बात करता हूं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं, बी को अगर मैं एक्स को माइनस 1 डाल दूं तो क्या होगा? जीरो इक्वल टू, अबे ओए गधे, एन एन तेरे घर से आ रहा है क्या आजकल? माइनस 1 माइनस अल्फा 1 ना बेटा, माइनस 1 माइनस अल्फा 2 ना बेटा. अरे बात समझ में आती है? Yes, sir. हो सकता है ना कुछ बन बन बना जाए, n पर डिपेंड करेगा ना. हाँ सर, क्लियर है, n पर डिपेंड कर रही है ना चीजें, चमकता है क्वेश्चन कैसे बनता है. इसी में क्वेश्चन मान लो ये रहे कि 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2, इसका वैल्यू निकालो, बोलो क्या होगा आंसर? 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. इसमें ढेर सारी चीजें पुट वुट करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये बात चमकती है. कई बार इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है कि दोनों साइड लॉग लेके डिफरेंशिएट करे कुछ पुट कर दो, दोनों साइड लॉग लेके डिफरेंशिएट करके कुछ पुट कर दो, कुछ मतलब 2, 3 वगैरह वगैरह, ये बात चमकती है क्या? मैं उसकी कहानियों में नहीं जाना चाहता हूं, वो आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे. इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. अरे ये बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ सर. कॉपी करो इसको. बोलो क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. रब करें? नहीं सर. सर डिफरेंशिएशन में आयोटा को एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं. यस. बट आपका आयोटा कभी आएगा नहीं ना बेटा इसमें, तो आप तो एक्स को 2 वगैरह कुछ भी पुट कर सकते हो ना. हाँ यहां तक क्लियर है? हाँ सर. रब करें? हाँ सर. एक मिनट. हाँ सर, हो गया. देखो तुमको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है ना, वो जो मैंने लिखा ना 1 प्लस कॉस वाला टर्म, 0 साइन वाला टर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
उसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखो, cos 2π by 7 cos 4π by 7 plus cos 6π by 7 equal to minus half. ये तुम नॉर्मली भी प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स से आपको क्या दिखता है? अगर आप कॉम्प्लेक्स से सोचना चाहें तो आप x की पावर 7 माइनस 1 के रूट्स को क्या लिख सकते हो बताओ? e आयोटा 0, e आयोटा 2π/7, e आयोटा 4π/7, e आयोटा 6π/7, e आयोटा 8π/7, e आयोटा, e आयोटा. ये बात चमकती है? हमको मालूम है ना सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? जीरो. इसका रियल पार्ट क्या होगा? जीरो. इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट क्या होगा? अरे बोलो भाई, रियल पार्ट क्या होगा? जीरो होगा ना, मालूम है ना कॉम्प्लेक्स से, है ना? हाँ सर. अभी कॉस 8π/7 क्या होता है? कॉस 2π/7. कॉस 10π/7 क्या होता है? कॉस 4π/7. कॉस 12π/7 क्या होता है? सॉरी, ये होता है 6π/7. ये बात चमकती है? प्लस ये का ये, ये का ये, ये का ये, और प्लस 1 इक्वल टू 0. ये बात चमकी क्या? हाँ सर. तो क्या आ गया? 2 cos 2π/7 cos 4π/7 प्लस कॉस 6π/7 इज इक्वल टू माइनस 1. क्या आ गया बताओ? कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7 इज इक्वल टू माइनस 1/2. क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया है मेरे मैंने आपके लिए, कोई आवश्यकता भी नहीं थी करने की, बस दिखाना चाह रहा था मैं कि इसको यूज कैसे किया आता है कॉम्प्लेक्स में. ये बात चमकती है? एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां पर जो सब चीज है ना, ये सब कुछ इवन है. कॉस के अंदर सब कुछ इवन है, इवन है, इवन है, तो कॉम्प्लेक्स लगाना आसान पड़ेगा. ऑड पे डिफिकल्टी आ जाती है, ऑड पे बनेगा ही ना आपका, तो ऑड के लिए आपको फंस जाओगे. और सोचना सोचना भी थोड़ा सा, आप इतना ही कर लो, इतना काफी है. इतनी बात समझ में आती है क्या? मैंने एक क्वेश्चन जनरली करके दिखा दिया, इतना क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए. अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? अच्छा, रैप करें? नहीं सर, नहीं सर, एक बोलो रैप करें. रैप करें. अच्छा सर, तो आपने 7 इसलिए लिया ना क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में 7 दिखा. हाँ हाँ, अगर 9 दिखेगा 9 लेगा मैं. ठीक है, रैप करूं? हाँ सर. ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, हाउ टू कन्वर्ट
एक मिनट किसी का फोन अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, देखो अभी मैंने आपको एक कन्वर्जन दिखा रहा हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, आपका एक्स कम आई होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आटा वाई क्या बन जाएगा, जेड। अरे ये बात चमकती है, जेड बार क्या होगा? ठीक है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स जाना है तो क्या करोगे आप, एक्स को वाई को माइनस जेड बार बाय टू टू वाई, है ना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट जाना है तो फिर तो सिंपल ही है ना, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार को माइनस एक्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक सिंपल चीज दिखाए कन्वर्ट करके आपको। चलो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेते हैं, 3x plus 5y plus 2 equal to 0, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, बोलो क्या होगा, 3 into z plus z bar by 2, z plus z bar by 2 plus y के साथ minus z bar by 2 plus 2 equal to 0, ये बात क्लियर है? क्या बन गया इक्वेशन बताओ, 3z plus z bar plus 5 into z minus z bar plus 4 iota is equal to 0, ये बात चमकती है? Yes, sir. हाँ क्लियर है ना इतना? क्या बना बताओ? iota नहीं है ना, 3 iota कहाँ पे 3 आया होता? एलसीएम दिया था पहला टर्म। हाँ 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 वो मैंने मिस्टेक, तो एलसीएम नहीं लूंगा ना मैं, सॉरी। अरे मैं एक्चुअली मेरी एक बहुत पुरानी बच्ची थी, 2013-14 में पढ़ाया था उसको, उसके पापा की कल डेथ हो गई कोरोना से, अभी उसी का फोन आया था, वो यूएस में पीएचडी कर रही है, काफी परेशान है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कुछ और ही सोचने लगा। टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, और यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये फोर बन गया है ना, अभी सही किया ना मैंने, देख लो एक बार, थ्री माइनस फाइव आयोटा इंटू बेटा क्या आएगा, जेड प्लस, बोलो थ्री प्लस फाइव आयोटा इंटू जेड बार प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये बात चमकती है? अरे हाँ याना बोलोगे? अभी बस कॉमन सेंस की बात है कि जेड बार है इसलिए मैंने इसको ए लिख दिया, और जेड है इसलिए मैंने यहां पर ए बार लिख दिया, ये आ गया क्या आपका कॉम्प्लेक्स में लाइन का इक्वेशन, ये बात चमकती है क्या? ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी को मानना था, मैं इसको भी ए मान सकता था, बस चीजों को मतलब थोड़ा देखने में सिमेट्रिकली अच्छा लगता है इसलिए ऐसा लिख दिया, ये बात चमकती है?
अरे कोई बोलोगे, चलो सर्कल का क्वेश्चन बताओ क्या होता है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में। बोलो क्लियर है। चलो कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, बताओ कैसे होगा चेंज। ये क्या हो गया जेड बार है ना प्लस टू जी, एक्स क्या होगा जेड प्लस जेड बार बाई टू, प्लस टू एफ क्या होगा जेड माइनस जेड बार बाई टू आई। चमकता है आ, तो अभी ये और एक कट गया, ये और एक कट गया, क्या आ गया बताओ जे जेड जी प्लस एफ इंटू जेड माइनस जेड बार, रेस्टलाइज कर दिया तो क्या आ जाएगा माइनस आई प्लस टी इक्वल टू जीरो। क्लियर है जेड जेड बार प्लस बोलो जी प्लस जी माइनस एफ आई जेड जी प्लस एफ आई इंटू बोलो जेड बार प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ तो हम लोग किसको ले, सेंटर का कॉर्डिनेट इसको मान लें, यही है ना सेंटर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर इसको लिख लो जेड नॉट, और ये क्या लिखा है बताओ जेड नॉट बार जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सर्कल का सेंटर क्या आ गया, सेंटर इज बताओ जेड। अरे इसमें सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा एफ, तो सेंटर तो सेंटर क्या होगा यहाँ पे माइनस जेड नॉट कॉमा नहीं सॉरी बस। अच्छा हाँ हाँ, लास्ट दो क्लास से सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है, जबकि मैंने ये मिस्टेक करके दिखाई थी और तुमने उन्हें सही कराया था, आई थिंक रुद्र ने सही कराया था किसी ने, कि सर आपने जो लिखा है वो तो जेड कॉमा जीरो नहीं होगा ना, उसके बाद वापस वही मिस्टेक, वापस वही मिस्टेक। आप लोग समझो ना कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेशनशिप, यार क्या दिमाग खराब कर रखे हो, ये बात चमकती है क्या। क्या यार सेंटर बोलने में इतना टाइम लग रहा है प्रियंका रघुनाथ तुमको, प्रियंका रघुनाथ एक पॉइंट वन कॉमा वन है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा वो पॉइंट वन कॉमा आई वन प्लस आई। हाँ तो सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो सेंटर क्या होगा कॉम्प्लेक्स में माइनस जी कॉमा माइनस एफ माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अच्छा किस में सर, कोऑर्डिनेट में ना, सेंटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा माइनस जी माइनस एफ आई माइनस जी माइनस एफ आई, माइनस बाहर निकालना लायक क्या बचा माइनस ऑफ जी प्लस एफ आई, जी प्लस एफ आई क्या माना है यहाँ पे जेड नॉट, तो सेंटर क्या हुआ माइनस जेड नॉट। कम ऑन यार, इतना डिटेल में इतना स्लोली पढ़ाने का क्या फायदा होगा यार, कुछ सिखा ही नहीं पा रहा हूँ क्या मैं यार। श्रेया क्लियर है क्या। हाँ सर। तो आंसर क्यों नहीं दिया तूने। हाँ सर बोलती है आंसर देती नहीं है। अरे ये क्लियर है, याद नहीं करना है अपन को, ये बात चमकती है कि याद नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा जेड जेड बार, ये बात क्लियर है क्या, हाउ टू कन्वर्ट इंटर कन्वर्जन क्लियर है मुतासिम, क्लियर है क्या। हाँ सर। यार चलो ठीक कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा ऐसे और खेलते हैं अपन इन चीजों के साथ। बाकी ज्यादा डिटेलिंग कराने का मतलब नहीं बनता है, उससे क्या होता है ना चीजें कंफ्यूजन होती है ज्यादा। ठीक है, अभी एक और लास्ट में खत्म करता हूँ, बाकी और डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं। आ जाओ इस पे आते हैं वापस से, जो स्टार्टिंग में किसी ने बताया ना पाई क्यों नहीं हो सकता है, उस पे आता हूं मैं। चलो, जेड वन माइनस जेड बाई जेड टू माइनस जेड इज इक्वल टू थीटा पर चलो बात किया जाए। हमने ये तो देख ही लिया कि थीटा अगर जीरो से पाई है तो जेड इज ऑन सर्कल। अरे बोलो, हाँ या ना, समझ रहे हो ना कैसे, बताओ। अरे अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, चमकता है, है ना, यही है ना सिस्टम। अगर थीटा है तो, है ना, सर्कल बनेगा। अगर ये थीटा जीरो हो गया तो क्या बनेगा बताओ? अच्छा, थीटा जीरो हो गया तो क्या होगा? थीटा पाई हो गया तो क्या होगा? और थीटा पाई हो तो क्या आएगा बताओ तो बेटा? स्ट्रेट लाइन तो आएगी। लाइन का कौन सा पार्ट, इधर का कि इधर का? देखो तो मेरे ख्याल से जेड आएगा। देखो पाई चाहिए ना, पाई चाहिए ना, तो जेड टू माइनस जेड का वेक्टर इधर है और जेड वन माइनस जेड का वेक्टर इधर है, तो पाई एंगल यही बन पाएगा ना। तो क्या है यहां बताओ? लाइन सेगमेंट। श्रेया नायर क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर थीटा जीरो होगा तो एक्सटर्नल पॉइंट बन जाएगा। हाँ, ये चीज हमने पहले भी कभी करी है ना, किस चीज में, कुछ चीज में किया था। बोलो, अगर थीटा जीरो है तो क्या होगा? बोलो, जेड यहां पे आना पड़ेगा ना, तभी तो क्या होगा इस वेक्टर में और इस वेक्टर में एंगल कितना होगा? जीरो। इस वेक्टर में और इस वेक्टर में चमकता है ना, वेक्टर वेक्टर जो बोलते रहता हूं मैं, कैसी हवा में बात करता हूं मैं, ये चमकता है। आंसर क्या आएगा इस केस में बताओ? क्या आएगा लोकस? माइनस इन्फी से जेड टू एंड वन से जेड। ये अच्छे से क्लियर है क्या अभी सभी को? हाँ सर। कॉपी करो।
अरे कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी एंड करते हैं टॉपिक का एक पिछले पढ़ाए हुए चीज से। मुझे बताओ पीएस, मुझे बताओ ये याद है, पढ़ाया था एक चीज पीएस वन प्लस पीएस टू, याद है? इक्वल टू के, याद है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या बताया था? के का लोकस बताया था। बताया था ना मैंने? हाँ सर। अरे याद है, बताओ, बोलो भाई क्या नाम है इसका? ओम व्याकुल, बोलो क्या था, बोलो। अबे ओए, k इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्या यार, s1 यहाँ पर है, s2 यहाँ पर है, p यहाँ पर है। जब जब ट्रायंगल बन पाएगा, ट्रायंगल कब बनता है? जब ps1 प्लस ps2 की वैल्यू k से बड़ी हो, k से बड़ी हो, k से छोटी हो। तो क्या लिखा, नोट देख के बोल दो ना। अगर k की वैल्यू s1 s2 से बड़ी है हाँ, तो क्या बनेगा? एलिप्स। एलिप्स। अगर k की वैल्यू s1 s2 है तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या? s1 s2 है ना, और k की वैल्यू s1 s2 छोटी है तो क्या होगा? नो लोकस। ये बात चमकती है हाँ। तो z माइनस थ्री प्लस जेड माइनस जेड प्लस थ्री इक्वल टू टेन, ये क्या है? एलिप्स है। एलिप्स, 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 एलिप्स का फोकस क्या है? अरे कौन सी पढ़ाया ना भाई, नहीं पढ़ाया है। एलिप्स का फोकस क्या है श्रेया? थ्री कॉमा जीरो और माइनस थ्री कॉमा जीरो। माइनस थ्री कॉमा जीरो और थ्री कॉमा जीरो, और ये टेन क्या हो जाएगा? पी एस वन प्लस पी एस टू, एलिप्स में क्या होता है? टू ए होता है ना। हाँ सर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? फाइव। फाइव। तो एलिप्स का इक्वेशन ये आ गया ना, ये वाला पॉइंट क्या आ गया? मुतासिम क्लियर है क्या? तो इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की? एक्स स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर प्लस, बोलो, वाई स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बात चमकती है मुतासिम, सीधा इस इक्वेशन को यहां कन्वर्ट करना चमका गया। हाँ सर। तुम लोग को याद है क्वाड्रेटिक में कराया था मैंने, तुम लोग स्क्वायर करके इधर शिफ्ट करके करते थे, जरूरत नहीं है ना हमेशा ऐसे फटाफट सोच सकते हो ना यार, पीएस वन प्लस पीएस टू से। और दूसरा वाला क्या था? पीएस वन माइनस पीएस टू इक्वल टू के, बोलो। यहाँ पे तीन चार चीजें थी ना, अगर के जीरो है, के जीरो है, के अगर लेस देन जीरो से बड़ा एस, हाँ तो हाइपरबोला, और वहां पे के का वैल्यू हो जाएगा टू ए, है ना। और अगर के अगर एस वन एस टू के बराबर है तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको? टू रे, टू रेज, ये रे और ये वाली रे, है ना। और के अगर एस वन एस टू से बड़ा है तो नो लोकस। नो लोकस, ध्यान आ रहा है? हाँ सर। यह ध्यान करो क्या होगा, बोलो। z माइनस फोर माइनस z माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, बोलो लोकस क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होगा बताओ? माइनस फोर कॉमा जीरो और फोर कॉमा जीरो क्या होगा उसका? फोकाई। फोकाई। और टू ए क्या होगा? ये होगा ना बेटा टू ए, एक वैल्यू कितना आ गया? थ्री। ये पॉइंट कितना आ गया? थ्री कॉमा जीरो। मुतासिम क्लियर है नहीं ये? तो हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ पे क्या आता है बताओ तो श्रेया? श्रेया सर एक मिनट, हाँ फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। अरे यहाँ मालूम है ना क्या आता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या?
हाँ सर कॉपी करो चलो मैं टॉपिक एंड करता हूँ इससे ज्यादा टॉपिक में पढ़ने का मतलब टाइम पास करना हो जाता है फिर मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको होमवर्क भेजता हूँ कल ही क्लास है ना तो आज का भी क्वेश्चन था हाँ सर अभी ये क्लास में बैठा हुआ है मधु और तू व्हाट्सएप कर रहा है नहीं सर याद आ गया इसलिए कर दिया होमवर्क मिला क्या हाँ सर इतना कर सर सकते हो ना कल तक इतना कल तक कर सकते हो ना बोलो हाँ या ना सर आर फेज में नहीं भेजा हाँ, डाल रहा हूँ भाई तुम्हारे में तो तुम तो तुम्हारे में कोई दिक्कत थोड़ी ना यार इतना जितना होमवर्क भेजा है इतना कर सकते हो यस सर अरे पी फेज बताओगे बे इतना कर सकते हो नहीं कर सकते हो हाँ सर श्रेया कर सकती है इतना होमवर्क नहीं कर सकती है कर सकते सर अभी देखो अभी भेज अभी चलो ठीक है इतना होमवर्क कल के लिए सर थोड़ा कम कर रहा हूँ कम है कर एक बार ट्राई तो कर जब मैं बोल रहा हूँ मैं सोच देता हूँ कम देता हूँ सोच के बट ट्राई तो कर फटाफट हो जाएंगे अच्छा सेक्शन ए भी आ गया है सेक्शन ए नहीं रुक जाए इसमें एक मिनट रुक जा एक सेकंड रुक डी थ्री तक गया ना अभी देख ठीक है अरे मैंने किसमें क्या डाल दिया है रुक जाओ यार अभी देखो तो सही है इतना तो कर सकते हो ना कल देखो तो एक बार आज का 10 क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन कर सकते हो ना बोलो ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से जो होमवर्क दिया है ना वो एक घंटे में करने का ट्राई करना एक से सवा घंटा बस ज्यादा नहीं क्लियर है ठीक है सर ठीक है चलो कल अपन प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे रब करें इसको फोटो के शेयर ऊपर क्या बोल रहे हो फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना तू कॉपी कर ले हाँ बोलो सर प्रोबेबिलिटी चालू कर रहे हो कल क्या चालू करूं सीएनसी बचा है ना भाई पीएनसी यार लास्ट से होना चाहिए ना यार सर कराया नहीं था हम लोगों को बंद हो गया था ना ठीक है मैंने एक बैच में पढ़ाया है पीएनसी शुरू के 3-4 लेक्चर हैं ठीक है बेसिक पीएनसी पढ़ाई है वो सुन लो एक बार मैं आपको लेक्चर भेज देता हूँ चलेगा 11th के बैच का इसी साल पढ़ाया है जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाया है तो आपको फील आ जाएगी उसमें सुनोगे तो बिल्कुल बेसिक पीएनसी है भेज दूं सुनोगे चलेगा एक बार सुन लो ठीक है और ज्यादा कितने लेक्चर पढ़ाए हैं पीएनसी का उसमें कितना हुआ है अभी तक इब्राहिम
कितने शायद सर 6 हो गया होगा अभी तक तो, वो तो एक एक घंटे का है ना, है ना? हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है चलो। सर सर प्रोबेबिलिटी इनके साथ ही पढ़ना है, इनके साथ ही पढ़ना है, डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है।